तेज तरीन क्रिकेट पर हुक्मरानी के लिए मैदान सज गया। अमरीकी शहर डेलस में T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में अमरीका की 195 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। कैनेडा ने पहले खेलते हुए मुकर्रा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 194 रन स्कोर किए। नोनेथ धालेवाल 61 रन बनाकर नुमाया रहे। निकोलस कर्टन ने 51, शरियाज मोवा 32, जॉनसन 23 और दिलप्रीत बाजवा ने 11 रन बनाए। अमेरिका की तरफ से अली खान, हरमीत सिंह और एंडरसन ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। अमेरिकी टीम के कप्तान मोनानक पटेल का कहना है कि वर्ल्ड कप खेलना एक हैरत अंगेज एहसास है। हमने पिछले 5 साल में बड़ी कुर्बानियां दी। जबकि कैनेडियन कप्तान साद बिन जफर ने कहा, विकेट अच्छी लग रही है, अमेरिका को जीत के लिए बड़ा हदफ देंगे। हमारे लिए तारीखी दिन है, पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उम्मीद है मेगा इवेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब लेकर 20 टीमें अमेरिका और वेस्टइंडीज में मौजूद। टेक्सास के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। आलमी शोहरत याफ्ता फनकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया जाएगा। दूसरे मैच में वेस्टइंडीज और पापा न्यू गिनी में 7:30 बजे जोड़ पड़ेगा। उधर वर्ल्ड कप शुरू होने की खुशी में नेदरलैंड्स और युगांडा के खिलाड़ियों का रक्स। ICC ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। गूगल भी क्रिकेट के रंगों में रंग गया। T20 वर्ल्ड कप पर डूडल तब्दील कर दिया। बाबर 11 भी जीत का ख्वाब लेकर अमरीकी सरजमीन पर मौजूद। कौमी टीम का डेलस में पड़ाव। शाहीनों का शाम 4 बजे से 7 बजे तक प्रैक्टिस सेशन होगा। कौमी टीम अपना पहला मैच 6 जून को अमरीका के खिलाफ खेलेगी। 9 जून को पाकिस्तान और भारत में हाई वोल्टेज टाकरा पड़ेगा। उधर अमरीका सफीर का पाकिस्तानी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए प्यार और जुनून नाकाबले फरामोश है। गर्मियों में भी पाकिस्तान में हर जगह क्रिकेट खेली जाती है। उम्मीद है दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। PCB ने कौमी टीम का नया तराना सादी बारी ओए जारी कर दिया। गुलकार अली अजमत, आरिफ लोहार और निहाल नसीम ने अपनी आवाज का जादू जगाया। और सऊदी अरब में पाकिस्तानी आजमीन की आमद का सिलसिला जारी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक हफ्ते के रोज तक 185 परवाजों से 46,648 सरकारी आजमीन सऊदी अरब पहुंचे। आइंदा 9 दिनों में मजीद 22,090 सरकारी आजमीन मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे। निजी हज स्कीम के जरिए 15,500 से जायद आजमीन सऊदी अरब पहुंच चुके। रवां साल पाकिस्तान हज मिशन 70,105 सरकारी आजमीन और 80,000 से जायद प्राइवेट आजमीन की मेजबानी करेगा। आजमीन को खाने, सफरी और रिहायशी सहूलियात के लिए 511 पाकिस्तानी मुआवनीन दिन रात की शिफ्टों में मसरूफ। तेज तरीन क्रिकेट पर हुक्मरानी के लिए मैदान सज गया। अमरीकी शहर डेलस में T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में अमरीका की 195 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। कैनेडा ने पहले खेलते हुए मुकर्रा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 194 रन स्कोर किए। नोनेथ धालेवाल 61 रन बनाकर नुमाया रहे। निकोलस कर्टन ने 51, शरियाज मोवा 32, जॉनसन 23 और दिलप्रीत बाजवा ने 11 रन बनाए। अमेरिका की तरफ से अली खान, हरमीत सिंह और एंडरसन ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। अमेरिकी टीम के कप्तान मोनानक पटेल का कहना है कि वर्ल्ड कप खेलना एक हैरत अंगेज एहसास है। हमने पिछले 5 साल में बड़ी कुर्बानियां दी। जबकि कैनेडियन कप्तान साद बिन जफर ने कहा, विकेट अच्छी लग रही है, अमेरिका को जीत के लिए बड़ा हदफ देंगे। हमारे लिए तारीखी दिन है, पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उम्मीद है मेगा इवेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब लेकर 20 टीमें अमेरिका और वेस्टइंडीज में मौजूद। टेक्सास के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। आलमी शोहरत याफ्ता फनकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया जाएगा। दूसरे मैच में वेस्टइंडीज और पापा न्यू गिनी में 7:30 बजे जोड़ पड़ेगा। उधर वर्ल्ड कप शुरू होने की खुशी में नेदरलैंड्स और युगांडा के खिलाड़ियों का रक्स। ICC ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। गूगल भी क्रिकेट के रंगों में रंग गया। T20 वर्ल्ड कप पर डूडल तब्दील कर दिया।
बाबर 11 भी जीत का ख्वाब लेकर अमरीकी सरजमीन पर मौजूद। कौमी टीम का डेलस में पड़ाव, शाहीनों का शाम 4 से 7 तक प्रैक्टिस सेशन होगा। कौमी टीम अपना पहला मैच 6 जून को अमरीका के खिलाफ खेलेगी। 9 जून को पाकिस्तान और भारत में हाई वोल्टेज टाकरा पड़ेगा। उधर अमरीका सफीर का पाकिस्तानी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए प्यार और जुनून नाकाबले फरामोश है। गर्मियों में भी पाकिस्तान में हर जगह क्रिकेट खेली जाती है। उम्मीद है दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। पीसीबी ने कौमी टीम का नया तराना सादी बारी ओए जारी कर दिया। गुलकार अली अजमत, आरिफ लोहार और निहाल नसीम ने अपनी आवाज का जादू जगाया। और सऊदी अरब में पाकिस्तानी आजमीन की आमद का सिलसिला जारी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक हफ्ते के रोज तक 185 परवाजों से 46,648 सरकारी आजमीन सऊदी अरब पहुंचे। आइंदा 9 दिनों में मजीद 22,090 सरकारी आजमीन मक्का मुकरमा पहुंचेंगे। निजी हज स्कीम के जरिए 15,500 से जायद आजमीन सऊदी अरब पहुंच चुके। रवा साल पाकिस्तान हज मिशन 70,105 सरकारी आजमीन और 80,000 से जायद प्राइवेट आजमीन की मेजबानी करेगा। आजमीन को खाने, सफरी और रिहायशी सहूलियात के लिए 511 पाकिस्तानी मुआवनीन दिन रात की शिफ्टों में मसरूफ। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सरबराही में आज इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली जाएगी। रैली का आगाज दिन 2 बजे पीर गली जिला मीरपुर से होगा। रैली का मकसद LOC पर रहने वाले शहरियों की हौसला अफजाई करना है। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक रैली के इख्तिताम पर जंडी चौंतरा के मकाम पर जलसाए आम से खिताब करेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सरबराही में आज इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली जाएगी। रैली का आगाज दिन 2 बजे पीर गली जिला मीरपुर से होगा। रैली का मकसद LOC पर रहने वाले शहरियों की हौसला अफजाई करना है। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक रैली के इख्तिताम पर जंडी चौंतरा के मकाम पर जलसाए आम से खिताब करेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सरबराही में आज इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली जाएगी। रैली का आगाज दिन 2 बजे पीर गली जिला मीरपुर से होगा। रैली का मकसद LOC पर रहने वाले शहरियों की हौसला अफजाई करना है। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक रैली के इख्तिताम पर जंडी चौंतरा के मकाम पर जलसाए आम से खिताब करेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सरबराही में आज इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली जाएगी। रैली का आगाज दिन 2 बजे पीर गली जिला मीरपुर से होगा। रैली का मकसद LOC पर रहने वाले शहरियों की हौसला अफजाई करना है। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक रैली के इख्तिताम पर जंडी चौंतरा के मकाम पर जलसाए आम से खिताब करेंगे।